और चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों को हिदायत दी है, इसी ने नेताओं से जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगने को कहा है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने की हिदायत दी है। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने सियासी दलों से कहा कि जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें, पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए ना हो, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना करें। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले ये परामर्श जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों से जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अपील न करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने नेताओं से कहा कि वो बिना तथ्यात्मक आधार वाले बयान न दें जिससे मतदाता गुमराह हों। वहीं राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को और स्टार प्रचारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, खासकर उन नेताओं पर नजर रखी जाएगी जिन्हें पहले ईसी की तरफ से नोटिस दिया जा चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को सख्त निर्देशित किया है कि आप पूजा पाठ को लेकर वोट ना मांगे, इससे परहेज करें। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा लगता है उससे बचें, बयानबाजी यहाँ पर ना करें। तो ये तमाम निर्देश लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन की ओर से राजनीतिक पार्टियों को दिए गए हैं।